और रक्तदान देने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम खड़े हैं मल्लागोड़ी संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में। आज देख पा रहे हैं यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे तमाम अनुयायी जो संकट मोचन हनुमान जी के भक्त हैं, वो हनुमान जी के ही प्रेरणा लेकर के आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। रक्तदान शिविर समाज में सबसे बड़ा दान है, कहा जाता है फलदान, वस्त्रदान, सभी दानों से सबसे सर्वोपरि दान रक्तदान को माना जाता है, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। ये एक नहीं परिवार के कई सदस्यों के चेहरे पे खुशियाँ लाती हैं और बीमारी को दूर भगाती हैं। ऐसा ही वीरा या संकट मोचन हनुमान जी के अनुयायी और भक्तगण यहाँ पे तमाम लोग इस तरह का आयोजन किए हैं। तो आइए हम चीज़ों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं और जानते हैं क्या है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। संकट मोचन हनुमान जी हनुमान जी। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। क्या नाम है आपका? मुन्नी दत्त। मैम, इसमें कितने आयु तक के लोग रक्तदान दे सकते हैं? अभी 60 तक दे सकते हैं, लेकिन हेल्दी है तो 62 तक भी दे सकते हैं। अच्छा, हेल्थ का जो परिमाप है मैम, वो कैसे ये किया जाएगा फाइनलाइज कि हाँ ये व्यक्ति दे सकता है या नहीं दे सकता है? वो तो जो स्क्रीनिंग करने का डॉक्टर होता है, तो वो स्क्रीनिंग करके देख चेक कर लेगा, वो अगर दे सकता है तो फिर हम। कौन सा डिजीज वाला लोग को नहीं देना चाहिए? जैसे कि एनीमिया। अच्छा, जिनके शरीर में ऑलरेडी खून का कम है तो वो लोग नहीं दे सकते। अब तक कितने लोग इस आयोजन में आ चुके हैं? अभी तक 22 हो गया है। आप लोग ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं? सिलीगुड़ी तेराई लायंस ब्लड सेंटर। अच्छा मैम, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, रक्तदान देने के पहले किन बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए हर किसी को? जैसे कि उनको थोड़ा खा लेना चाहिए, खा के हेल्दी सोना भी है उसके पहले रात को, मतलब हो गया उसके पहले दिन अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, फिर खाना खा के उसके मतलब हेल्दी खाना खा के फिर उसके आधा घंटा या 40 मिनट्स बाद ब्लड देना चाहिए, तो उनके लिए जो ब्लड दे रहा है उनके लिए अच्छा है। और रक्तदान देने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन दिन वो अल्कोहल ना ले, सिगरेट ना पिए तो उनके लिए अच्छा है, हाथ में प्रेशर नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? मैं कराई बारी, पूर्व कराई बारी, मिलन मोड़। ऐसे समय में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर आदमी का जान बच सकती है और शरीर के लिए भी अच्छा है। और टाइम दे रहे हैं या इसके पहले? फर्स्ट टाइम। तो आपको कैसा? युवा पीढ़ी को, जिससे हमारे जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसका मतलब क्या बोल? कैसा लगा आपको आज यहाँ पे रक्तदान शिविर में आकर के और रक्तदान दे करके? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। ये मेरा फोर्थ टाइम है एंड लायंस में तो थर्ड टाइम, ये तीसरा टाइम है लायंस में। आई ऑलरेडी गिव इन कैलिंगपोंग फर्स्ट टाइम। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग जितना भी है ब्लड देने में बहुत डरते हैं ना, ये कुछ नहीं होता है, ब्लड तो आते रहते, जब आप देते हैं ब्लड तो सिर्फ और ग्रोथ होके आता है। तो मेरा नाम रवि कामी है। तो रवि जी, कैसा लगा आपको रक्तदान शिविर में आकर के रक्तदान देकर? एक्चुअली कोई प्रोग्राम तो नहीं था आज रक्तदान देने का, जब मैं आज मंगलवार है मंदिर में पूजा करने आया था तो देखा यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो मैं उत्साहित हो गया, चलिए मैं भी एक बार रक्तदान फिर से करता हूँ। तो पहले भी किया हूँ तो आज भी क्या अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जैसे अगर हम रक्तदान करेंगे तो दूसरे को जीवन मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा एक यूनिट से अगर किसी को भला होता तो वो करने में कोई दिक्कत नहीं, और सबको बोलता हूँ कि करना चाहिए। जो लोग दूर भागते हैं, डरते हैं रक्तदान देने से, तरह तरह की भ्रांतियाँ मन में पाले हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली वो किस चीज़ से डरते हैं? वो नीडल से डरते हैं, जो सुई होता है ना, वो मैं भी बहुत डरता हूँ उससे,
उसी के लिए आदमी नहीं देना चाहता, नहीं तो ब्लड देना तो बहुत आसान है। मतलब आप बैठो, आपका 10 मिनट में काम होगा, आपको पता भी नहीं चल। जस्ट वो इफेक्ट करता है सिर्फ जो नीडल होता है ना उसके लिए डरते हैं, और कुछ ऐसा नहीं। शिविर में आकर अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ, हर चीज़ सब अच्छा है। और इंसान को देना चाहिए ब्लड कम से कम 6 महीने में एक बार तो देना ही चाहिए। तो आज रक्तदान शिविर का जो आयोजन किए हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या। सबसे पहले मैं ग्लोबली न्यूज़ को नए साल के, अंग्रेजी के नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं टीम की ओर से, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही कि हमारे श्री संकट मोचन मंदिर की ओर से आज, श्री संकट मोचन मंदिर की ओर से आज हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। हमारे यहाँ हमारे समाज सेवी श्री सरणी भैया और लायंस क्लब के सदस्य आए थे, वो बोले कि अभी सिलीगुड़ी में ब्लड का बहुत ही स्कार्सिटी चल रहा है, जितने भक्त लोग यहाँ आते हैं सभी भक्तों का पूरा सहयोग रहता है हम लोगों के साथ, तो भक्त लोग भी काफ़ी उत्साहित पूर्वक अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं स्वेच्छा से। और हम लोग का टारगेट है कि मतलब लोगों के साथ यही अपील है कि अभी जो ब्लड का हमारे सिलीगुड़ी शहर में जो अकाल है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसमें लोग अपना जन जन को आगे बढ़ के आके देना चाहिए, विशेषकर युवाओं को। मैं ब्लड देता आया हूँ और आशा है कि अभी तक मैं 17-18 बार दे चुका हूँ और देता रहता हूँ, साल में 2 बार देता रहता हूँ। कितने वर्षों से आप इस तरह का रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं? ये हमारा पहला वर्ष है और जो हम लोग अपने मंदिर की ओर से किए हैं, ऐसे हम लोग समाज में करते रहे हैं, लेकिन हमारे श्री संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहली बार ये आयोजन से मिला। ये प्रेरणा बाबा की कृपा है, हम श्री संकट मोचन मंदिर के सदस्य हैं और बाबा से ही, संकट को हरने वाले हमारे बाबा हैं, उनसे ही ये प्रेरणा हमें मिली है और उनके द्वारा प्रेरणा के अनुसार ही हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, आज का टारगेट कितना है आपका? आज का हमारा टारगेट 100+ है। और अब तक कितने लोग आ चुके हैं? 25+ हो गया है। मेरे पूरे टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं अनिल यादव, श्री संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट का सचिव।